पूरी रियासत में जितने भी जिले हैं उनमें हमारा विजिट कंटिन्यूअसली चल रहा है। पहले जिलों में हम जा रहे हैं, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो है प्रोग्राम शुरू करेंगे नवंबर के महीने से। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस जो है ये हर जगह मौजूद है, कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी जो है हर जगह है। कांग्रेस ने काम किए हैं, कांग्रेस ने जिले दिए हैं, कांग्रेस ने कॉलेज दिए हैं, कांग्रेस ने एसडीएम तहसील नयाबते दी है, कांग्रेस ने ब्लॉक दिए हैं, और रजौरी में भी कांग्रेस का एक अहम रोल है यहाँ की डेवलपमेंट में, यहाँ के काम में। तो कांग्रेस पार्टी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो हर जगह है, और आज आपने देखा कि बोलने पे कितनी रसाकशी थी, हर आदमी बोलना चाहता था। ये एक बेदारी है लोगों में जो चाहते हैं बोलना। सर, क्या लगता है कि जो यूएलबी के इलेक्शन थे, पंचायत के इलेक्शन थे, ये सरकार घबरा गई है तभी ये इलेक्शन नहीं करवा रही है, आपका क्या कहना है? मैं उन लोगों को जो 50 पार के नारे देते थे वो तो यूएलबी से घबरा गए, उनको पता चला कि हमारा करगिल में भी खाता नहीं था, वहां भी हार गए, और यूएलबी और पंचायत से, क्योंकि एजेंसी उसकी इन्हीं की है, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्शन हार रहे थे, तो इसलिए इन्होंने यूएलबी और पंचायत डेफर किया, और अब ये पार्लियामेंट में जाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि पार्लियामेंट भी ये 6-6 हार जाएंगी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट 6-6 पार्लियामेंटों में जीते। सर, आपने कहा कि ब्लैक की बात की, क्या जम्मू और कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस जब भी होते हैं किस तरह की प्रोबेबिलिटी लग रही है, या कांग्रेस किस तरह की मानसिकता से आगे चले, क्या इंडिया अलायंस यहाँ पे भी? देखो, अभी इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए बना, उसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे जेडीयू है, सीपीएम है, बहुत बहुत पार्टियां हैं जिसमें है, और शिवसेना है। तो अभी सीट शेयरिंग अलायंस की होगी, बाद में जहां जहां जिस पार्टी के साथ जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जहां जरूरत पड़े वहां अलायंस होता है, नहीं को लाइक माइंडेड पार्टीज फ्रेंडली मैच खेलती हैं। असली हमें जो मिशन है यहाँ वो बीजेपी को हटाना है, वो बीजेपी जिसने हमारी स्टेट छीनी, वो बीजेपी जिसने यहाँ बेरोजगारी को बढ़ाया, वो बीजेपी जिसने यहाँ स्पेशल स्टेटस छीना, और वो बीजेपी जिसने यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा के रखी है, और यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो रोन डाला है, 10 साल से अब इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे। तो उस चीज को जब भी इलेक्शन होंगे हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी पार्टियों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इनको लोगों ने 70 साल में पहली बार चांस दिया था, लेकिन इन्होंने अपना ऐसा मुंह दिखाया कि लोग बोलते हैं कब ये इक्तदार से दफा हो जाए, वही मैंने बात अंदर भी कही। सर, ब्लैक डे की आपने बात की, ब्लैक डे किस चीज को मनाएंगे? देखो, जम्मू कश्मीर का कोई भी फर्क, कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि यहाँ यूटी रहे। ये एक खूबसूरत सुपर स्टेट्स वाली, स्पेशल स्टेट्स वाली स्टेट थी, और लोग चाहते हैं कि ये रियासत दोबारा बने और ये पावरफुल रियासत बने। तो लोग यहाँ नहीं चाहते हैं यूटी,
इसको तो जबरदस्ती इन लोगों ने किया ना। आप मुझे बताओ 2014 के किसी पार्लियामेंट इलेक्शन में आप बताओ बीजेपी ने कहीं अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि हम स्टेट को यूटी बनाएंगे? नहीं दिया था ना, इन्होंने जबरदस्ती यूटी बनाया। तभी इलेक्शन नहीं करते हैं लोग, इनको पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, बदला पूरा ले लेंगे। तो अब ये लोगों को बेवकूफ बना के यूटी दिवस मनाने जा रहे हैं, इसलिए हमें यूटी हमारे लोगों को जरूरत ही नहीं है, और हम उस यूटी दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। ये मैं ऐलान करता हूं, कांग्रेस पार्टी 31 तारीख को, उस दिन हमारी इंदिरा जी का बर्थडे भी होता है, डेथ एनिवर्सरी होती है सॉरी, तो वो मनाने के बाद हम ब्लैक डे मनाएंगे, धरने देंगे, और हमारी मांग होगी कि ये जल्द अज जल्द जो है रियासत बन जाए। और कांग्रेस पार्टी हर जगह तैयार है, और कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह है, कांग्रेस पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप बाकी पार्टियों की एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह नहीं देखेंगे, बीजेपी का एक्सेप्टेबिलिटी 20-25-30 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे कि वहां पे वो एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, वहां पे लड़ सकते हैं, लेकिन बाकी में नहीं है।